स्टेट बार काउंसिल हिमाचल प्रदेश के सदस्य अधिवक्ता रोहित शर्मा ने कोरोना योद्धाओं आशा वर्कर्स का सम्मान करते हुए पंचायत स्तर पर उनको पीपीई किट घर पर जाकर मुहैया करवाई। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उन्होंने बल पंचायत, अणु पंचायत, डुग्गा पंचायत, बजूरी पंचायत व दड़ूही पंचायत में रविवार को यह किट मुहैया करवाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आशा वर्कर सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कोरोना योद्धा हैं। ये हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण व अभिन्न अंग है। इनकी सुरक्षा व सहयोग हम सबका फर्ज है, क्योंकि ये अपने और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर इस अत्यंत कष्टकारी समय में समाज की सेवा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनका सहयोग करते हुए उनको पीपीटी किट प्रदान की गई है। रोहित शर्मा ने जोर देते हुए कहा कि हमीरपुर के लोग उन्हें ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन की कमी को नकार रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर से अनुरोध किया कि जो लोग सांस संबंधी रोगों से परेशान हैं, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उन्हें घर पर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। इसके लिए आम जनमानस को टोल फ्री नंबर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने लोगों से एसओपी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि भविष्य में विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय शिमला हिमाचल प्रदेश ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो आदेश व दिशा निर्देश दिए हैं, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए।